पौराणिक एवं धार्मिक और पर्यटन से जुड़ी वारुणी पंचकोसी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा स्कंद पुराण के केदारखंड में सोमकाशी के नाम से प्रचलित है। उत्तरकाशी में वरुणा, असी और गंगा के संगम से होते हुए पांच कोस तक फैले वरुणावत पर्वत पर लगभग 18 किलोमीटर लंबी पंचकोसी वारुणी यात्रा कर श्रद्धालु 33 करोड़ देवी देवताओं की परिक्रमा करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। बोलते हैं लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कोई तो बिना मतलब चप्पल वगैरह पहने जाते हैं और जैसा जिसका मतलब मन होता है उस हिसाब से चलते हैं। बोलते हैं कि इस दौरान मतलब हम लोग करोड़ों जो देवी देवता होते हैं उनके हमें दर्शन होते हैं और 18 किलोमीटर पैदल ये यात्रा है। त्रयोदशी के दिन होने वाली इस यात्रा के लिए बसुंगा, साल्ड, ज्ञानजा, संग्राली और गंगोरी के ग्रामीणों ने मेहमानों की अवभगत में लग जाते हैं। ग्रामीण चौलाई के लड्डू और फलाहार की व्यवस्था करते हैं। इस यात्रा के बीच में साल्ड, ज्ञानजा, बसुंगा, गंभीर गांव, संग्राली, पाटा, गंगोरी के ग्रामीणों काफ़ी आतिथ्य देवो भव की परंपरा से जो यात्री होते हैं उनकी सेवा करते हैं। एक दिन की ये यात्रा होती है और रास्ते में शिकलेश्वर महादेव, वर्णेश्वर महादेव ये सब मंदिर पड़ते हैं जहाँ पर गंगा जल लोग अर्पित करते हैं। और कहते हैं कि ये यात्रा क्योंकि असी और वर्णा नदी के बीच भगवान शिव ने अपनी काशी बसाई थी तो इस यात्रा से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि यात्रा में भाग लेने मात्र से ही पापों से मुक्त होकर पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि नंदा देवी राजजात यात्रा के तर्ज पर एक दिन की इस यात्रा में हजारों की संख्या में उत्तरकाशी, टिहरी, चंबा, रवाई, देहरादून से यहां आते हैं। उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।